टीजर एक्चुअली टीजर नहीं था बल्कि एक आंधी थी, और टीजर में हमने जो देखा पुष्पा राज का हटके लुक और डिस्टिंक्ट वॉक, उसके लिए अलू अर्जुन ने 51 रीटेक्स लिए थे। इसी को तो कहते हैं अलू अर्जुन का डेडिकेशन। पर टीजर के बाद ऐसा क्या हुआ, ये सवाल भी सता रहा है। और जो हम सोच रहे हैं ना, वैसा डायरेक्टर सुकुमार भी सोच रहे होंगे, लिख कर ले लो। देखिए, सुकुमार ने पुष्पा जैसी एक बाप लेवल मूवी बनाई। कोविड के दौरान मूवी ने फैंस को फिर से ताज़ा कर दिया, और उसके बाद सुकुमार पुष्पा 2 बनाने के पीछे लग गए। और अब पुष्पा 2 के साथ फिर से जुड़ा उनका नाम उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में मदद तो करेगा ही, पर कहीं पुष्पा 2 के टीजर के बाद सुकुमार थोड़े पीछे नज़र आ रहे क्या? देखिए, यहाँ हम सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील और सुकुमार की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुष्पा 2 के टीज़र की कंपैरिजन सालार से हो रही है। अब ये दोनों ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, उनके टैलेंट और विजन को लेकर कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। पर प्रशांत को भी ज़्यादातर लोग केजीएफ के बाद ही जाने लगे, जैसे सुकुमार को पुष्पा द राइज के बाद, यानी सिर्फ एक ही मूवी के बाद। अब प्रशांत ब्रांड नेम बने और फिर उन्होंने सालार बनाई प्रभास के साथ। अब सालार हिट हुई विदाउट एनी प्रमोशन, क्योंकि मूवी में वो बात तो थी, और इसमें प्रभास के साथ प्रशांत जैसा ब्रांड नेम भी था, इसलिए इस मूवी के टीजर को 24 घंटे में 83 मिलियंस व्यूज मिले थे। अब कुछ लोग टीजर के बेसिस पर इन दोनों डायरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पुष्पा 2 के टीजर को 24 घंटे में सिर्फ 40 मिलियन व्यूज मिले, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत का ब्रांड सुकुमार से बड़ा भाव खा रहा है, और सुकुमार को पुष्पा द राइज से मिली पॉपुलैरिटी के कंपैरिजन में प्रशांत की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, ऐसा भी कहा गया। इसलिए अब सुकुमार को अपनी ब्रांड वैल्यू और बढ़ानी होगी। वैसे सोशल मीडिया पर अभी पुष्पा 2 के व्यूज 24 घंटे में 84 मिलियंस बताए जा रहे हैं, पर जितने भी वीडियोज़ हमने देखे हैं तो 40 मिलियन ही बताया गया। तो 40 से अचानक 80 या 84 कैसे हो जाएगा? फेक न्यूज़ हो सकते हैं शायद, इसके ज़रिए सालार के व्यूज़ को बीट करने का प्लान हो। खैर, बाबू तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।